और गाइस इसी के साथ हम मथुरा जंक्शन पे पहुंच गए और हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। तो भैया बांके बिहारी लाल की यहाँ पे नगरी में चल रहे हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय। सो राम राम जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग गाइस। और गाइस आज है संडे 3 सितंबर और मेरी 1:30 बजे है ट्रेन मथुरा जंक्शन के लिए, क्योंकि हमारे श्री कृष्णा जी ने और बांके बिहारी जी ने अपने धाम बुला लिया है मथुरा और वृंदावन और गाइस और भी जगह घूमेंगे। तो गाइस बहुत मजा आने वाला, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था और इसलिए मैंने आप सब तक बताया भी नहीं था कि आपके लिए एक सीक्रेट था और जो आज मैं करने जा रहा हूँ मस्त तरीके से। और गाइस ये मैं कुछ पैसे बचा रहा था कि हाँ जब ट्रिप होगी तो मस्त पैसे वैसे बचा के जाएंगे और मस्त घूमेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे, कोशिश करूंगा। बाकी अपनी तैयारी और पैकिंग चल रही है भाई, बैग पैक कर रहा था, कपड़े सेलेक्ट कर रहा था और यहाँ पे पैसे, भाई पैसे सबसे जरूरी होते हैं भाई कहीं भी ट्रिप में, तो वो भी इकट्ठे कर लिए ज्यादातर। और बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर लूंगा, है ना, ऑफलाइन होने चाहिए ऑनलाइन होने चाहिए दोनों चीज है। बाकी अभी 11:15 बज रहे हैं और 1:30 बजे है ट्रेन और भैया वहाँ भी और एक और भाई के साथ हम जा रहे हैं सीधा हरिद्वार से अपने मथुरा जो पड़ता है यहाँ से 350 किलोमीटर और फिर वहाँ से वृंदावन और फिर आगरा। तो गाइस भाई मतलब जो वृंदावन जाए भाई वो कहीं का रह जाता, वो बस वहीं का ही रह जाता है ये मैंने सुनी है, बाकी जब जाएंगे तो पता लगेगा। और भाई बहुत मजा आने वाला, संडे का है और ये ट्रिप 5-6 दिन की होने वाली है करीब करीब, तो फुल मजा आने वाला है, फुल इंजॉय करेंगे। और बाकी अब व्लॉग आप पूरा देखना। और आज संडे है, 3 सितंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं इस व्लॉग की और इस यात्रा की वृंदावन मथुरा की। तो गाइस ये सब मेरा पूरा सामान है जो मैं लेके जाऊंगा, ये तो पूरा बैग है जिसमें अपने कपड़े और जो भी मैं वहां से कुछ लेके आऊंगा तो वो इसमें लेके आऊंगा। और ये मेरा ट्राइपॉड जो थोड़ा वीडियोग्राफी में काम आएगा। और भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉलेट जिसमें मैंने पैसे वैसे सब सेट कर लिए और अपना आधार कार्ड, क्योंकि किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो भाई आधार कार्ड हमेशा साथ लेके जाएं, तो इसमें भी पूरा हो गया। और ये मेरी ड्रेस है जो भी कपड़े पहनूंगा और चार्जर और ईयरफोन ये सब काम आएंगे मेरे लिए, बहुत जरूरी चीज है। तो ये सब चीजें जरूरी थी, बाकी जो और भी जरूरी की चीजें हैं वो सब भर लिया मैंने। और चलिए गाइस सब कुछ हो गया, पैकिंग हो गई, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, सबका आशीर्वाद ले लिया और अब जल्दी से चलते हैं और निकलते हैं वृंदावन और मथुरा के लिए, जो कि हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं 1:30 बजे, ठीक है। 12:05 हो गए तो काफी लेट हो गए, तो लाइट बंद करता हूँ जल्दी से और फिर चलते हैं। 1, 2 चलो लेट्स गो और राम राम जी बोल के चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी, मुझे 10 बार यही बोले, ठीक है मैं फोन कर दूंगा हर बार फोन करो। गाइस अब वेट कर रहा हूँ बस ऑटो का, जल्दी ऑटो मिल जाए क्योंकि 12 बजे इतनी कड़ी धूप हो रही ना बहुत तेज। सो गाइस अभी ई रिक्शा में बैठ के सीधा रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। गाइस ट्रेन का सफर इसलिए बहुत ज्यादा वो होता है एकदम भगदौड़ वाला, क्योंकि चाहे कितना भी जल्दी कर लो तभी भी लेट हो जाता है। इधर वाले प्लेटफॉर्म से, इधर वाले प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म नंबर 3, तो इधर जाता हूँ जल्दी से। हाँ भाई मैं सबसे पहले आया था और सबसे लेट हो गया मैं इस चक्कर में, यहाँ भाई का वेट करते करते मैं सबसे ज्यादा लेट हो गया। भैया ये अपना डब्बी 3rd AC और लो आए। सो गाइस हम 6 के 6 सब बैठ चुके हैं और मस्त वृंदावन जाने के लिए तैयार है। अब भाई सब तैयार है खाने के लिए? यस, जाने के लिए तैयार, जाने के लिए मिस्ट्री से पूछो। हाँ मिस्ट्री तैयार, चलो बढ़िया भाई। पिटारी है, पिटारा भूल गया भाई, वही रुकना गया 1-2 महीने तक का हो गया, 2 महीने का सामान है तभी लेट करवाया। देखो जो वृंदावन चला जाना वो वहीं का हो जा, जो वही मेरे, ओ भाई देख ले भाई, जो वहाँ जाओ ना वहीं का हो जाएगा। तो इसीलिए भाई सामान पूरा लेकर जा रहे, बैग पूरा भरेगा भाई, मैं तो हैरानी हुआ है। मिस्टी ये क्या सीन है, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, खाने पीने का सब कुछ सामान भर के लेकर चल ले और बैग फुल है भाई। बैग कौन धोएगा भाई, मैं और तू ही धोएंगे और कोई नहीं है। हरिद्वार को टाटा कर दे एक बार, बाय हरिद्वार, हम चले वृंदावन, वृंदावन जाऊंगी वापस ना लौट के आऊंगी। क्या कह रहे अब जो मैं कह रहा हूँ, हाँ अब बहुत ध्यान से सुन लेना, अब सबको फॉलो करना है, ठीक है। अगले 8 दिन तक, अच्छा सबको फॉलो करना, जो मैं बोलूंगा वही फॉलो करना। ओ भाई मैं तो इनका फॉलो करती नहीं। ओ भाई तो ये लो भाई आलू पूरी बना के ले गए हैं,
क्या बात है, आलू पूरी बना के लेकर आ रहे भाई। तो गाइस गैप के बीच में से यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है और वीडियोग्राफी चल रही है और रीलग्राफी चल रही है, सब कुछ। और भैया उधर मतलब मस्त तरीके से कह रहे कि सब अपनी सेटिंग रीसेट कर लो अपने तरीके से, ठीक है, मेरे तरीके से। हाँ मतलब उनके तरीके से, ठीक है। और यहाँ फोटोग्राफी चल रही है भाई, देख लो। तो गाइस यहाँ पे भतीजी और भतीजी के चाचू दोनों निकल पड़े हैं कहाँ पे, वृंदावन। तो राधे राधे बोल दे एक बार, राधे राधे। अरे भाई ये कुछ लोग ऐसे कि बस स्टार्टिंग में आधे घंटे की एक्साइटमेंट, उसके बाद तो फ्लैट हो जा सीधा है और अब सोते सोते जाओगे। है भाभी हम तो बैठे भाई यहाँ पे, हम तो नौजवान लुंडे हैं, नौजवान लुंडे तो ऐसे बैठे रहे। ये लो भाई चलती फिरती दुकान आ गई भाई, चिप्स चिप्स केक्स वगैरह सब कुछ भाई। तो बच्चों और हम बच्चे वाले सब है यहाँ पे, चलती फिरती दुकान भैया लेके आ गए, चिप्स जो भी कुछ चाहिए, बिस्किट चिप्स केक्स कुछ भी वो ले ले भाई। सेल्फी पॉइंट बना लिया यहाँ पे भाभी जी ने। अरे भाई ऊपर देख, यहाँ देख कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। गाइस अब आ रहा है नाइट वाला फील भाई, सब लाइट वाइट जला दी बिल्कुल है। तो ये लो भाई ट्रेन में बैठे बैठे हम सनसेट देख रहे भाई। नीजाबुद्दीन रेलवे स्टेशन में पहुंच गए दिल्ली में और बस थोड़ा सा कुछ सामान वामान खाना पीने के लिए, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जल्दी से और फिर जल्दी से चढ़ते हैं, ठीक है भाई। गाइस ये पूरा नीजाबुद्दीन का रेलवे स्टेशन, ये देखो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा था यहाँ पे, तो हमें थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये सब लेना था, तो जल्दी से चलते हैं। हेलो भैया खाने पीने का फुल सामान ले लें जुगाड़, क्योंकि इतनी देर हो गई बैठे बैठे है ना, अभी 3 घंटे और लगेंगे मथुरा पहुँचने में। तो गाइस यहाँ पे चल रहे हैं अपने 6:30 बजे के बाद समोसे और वहाँ पे चिप्स है ना। सो गाइस जो जूस था वो भी ठंडा हो गया और अब 2 घंटे रह चुके हैं मथुरा जंक्शन पहुँचने के लिए। तो भाई मस्त फ्लैट हो गया भाई, अब लेट गए भाई क्योंकि थोड़े थक गए, क्योंकि 6 घंटे हो गए बैठे बैठे ट्रेन में, पता नहीं कैसे बैठे पर बैठ गए है ना भाई। रेलवे के अंदर यहाँ पे देख लो अफीम रगड़ रहा भाई लौंडा है भाई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तुझे कौन लाने दिया ये बता था बेटा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तेरे साथ साथ में, हमारे पीछे डंडे बजाओगे भाई। देख रहे हो भाई लोंडा सही काम नहीं कर रहा, देख रहे हो अभी ये देखो अफीम की बट्टी थी महंगे बना रखी है, देखो खाने की कितने रुपए की तस्करी कर रहा था, तोला मिला है भाई बता दे चाचा। अरे भाई ये क्या है, पहले तो इसने ये बनाया, पहले तो इसने अफीम बनाया, अब देख ये क्या बना रहा भाई। बहन डर गई करना क्या चाहते है, कहाँ जा रहा है हमारा यूथ आज का। सो गाइस 20 मिनट बाद अपना मथुरा जंक्शन आने वाला है, तो इसीलिए सारे बैग रेडी कर लिए, क्योंकि बैग बहुत सारे हैं और उतरना जल्दी है, ट्रेन का वैसे दिक्कत रहती है, तो इसलिए तैयार हो भाई उतरने के लिए। अब जल्दी सामान लेके मथुरा जंक्शन उतरते हैं और राधे राधे करते हैं, ठीक है, राधे राधे। और गाइस इसी के साथ हम मथुरा जंक्शन पे पहुंच गए और हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा। ये है पूरी मथुरा की यहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड पूरा, और ऑटो हम यहाँ पे पकड़ेंगे और फिर होटल चलेंगे अपना जन्मभूमि के पास में। तो भैया बांके बिहारी लाल की जय, यहाँ पे नगरी में चल रहे हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय। लो गाइस मथुरा का फाटक बंद भी देख रहे भाई, ठीक है, हम जा रहे थे अपने होटल की साइड अपने ऑटो में और यहाँ पे हम फाटक बंद भी देख रहे हैं, ट्रेन व्रेन चलेंगी तो मथुरा में हम है भाई फिलहाल, ठीक है, रात के 9:30 बजे। तो गाइस हमने बस ये सब मंदिर घूमने हैं और यहाँ पे दर्शन करने हैं और भगवान जी के दर्शन करने हैं और आशीर्वाद लेके जाना है ना भाई। भैया की ड्राइविंग नेक्स्ट लेवल, गजब मजा आ गया भाई। बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा भाई, कितनी प्यारी लग रही है ना। और गाइस रात के 11:15 बजे अभी हमारा चल रहा है डिनर, जिसमें हम मिक्स सब्जी खा रहे हैं और यहाँ पे पनीर की सब्जी और मस्त नान की रोटी विद बटर, ठीक है। तो गाइस ये है अपना रूम भाई, रूम टूर ये है भाई रूम। गाइस आज हम अपने इस रूम में रुकेंगे मथुरा के, ठीक है, और अपना बिस्तर ही हम दोनों यहाँ सेट होंगे भाई, है ठीक है, हम दोनों एक भाई लौटना है यहाँ पे और बाकी उधर वो बेड पे सेट हो जाएंगे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, रूम फुल सेट है और फुल फील्ड है भाई, अपने सामने एसी चल रहा और एसी के साथ राधे राधे करते हैं और सुबह को मिलते हैं भाई, ठीक है, बहुत थक गए
और सुबह के 1:30 बजे से चल रहे हैं, तब तक के लिए राम राम जी और राधे राधे। और भाई श्री बाकी बिहारी जी की जय, और मिलते हैं सुबह को, तब तक के लिए मैं भी सोता हूँ, पहले रेटिंग करता हूँ, ठीक है, बाय बाय।